अमानतुल्ला खान जी, कम से कम लाखों मस्जिद तोड़ के पैखाना बना दिया चीन ने, लाखों मस्जिद को तोड़ के वहाँ पैखाना घर बना दिया चीन, एक बार भी बोले क्या? आप सिर्फ गूगल पे इतना डाल दीजिए कि कितनी मस्जिदें अरब में तोड़ी गई। भाई यह मास मंदिर मस्जिद जरूरी नहीं है, अरब में टूटता है, रोड बनाई जाती हैं, कुछ भी बनाई जाती हैं, तो वो लोग तोड़ के और मस्जिद को शिफ्ट कर देते हैं। इनको अगर सेंट्रल विस्टा बने ना बने, लेकिन वह 200 गज का मस्जिद रहना चाहिए, उसमें क्या, उससे क्या भारत की तरक्की की इबारत लिखी जाएगी? तो क्या सारे देश के नेताओं की सुरक्षा को ताक पे रख दिया जाएगा एक मस्जिद के लिए? आप चले जाइए किसी गांव में, चले जाइए, उसको दो चीज़ पूछिए कि भैया ये इतनी सड़क टूटी है, इसको बनवा दे रहा हूँ, नहीं तो एक मस्जिद बनवा दे रहा हूँ। 99.9% लोग कहेंगे हमको मस्जिद बनवा दीजिए, भले या सड़क टूटा है, हम रानी हेल के जाएंगे इधर उधर, लेकिन हमको मस्जिद चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। अमानतुल्ला खान आम आदमी पार्टी से विधायक हैं और लगातार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। एक और उन्होंने विवादित बयान या फिर ये कहें कि एक ट्वीट करके सनसनी फैला दी और लगातार इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और उनको जमकर लताड़ भी लगा रही है जनता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुधीर पांडे जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। पांडे जी, आपने देखा होगा कि उनके ट्वीट में उन्होंने साफ साफ कहा है कि किस तरह से जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इस पर पहले भी कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। आज खुद अमानतुल्ला खान जो है वो बयान दे रहे हैं कि मस्जिदें इससे नुकसान पहुंचा देंगी, जो मस्जिद को नुकसान पहुंचाएगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब कहां से मतलब उनके दिमाग में जाते हैं और ऐसी चीज़ों को फैलाकर क्या संदेश दिए? अमानतुल्ला खान मस्जिद पर बोल रहे हैं, लेकिन उनको सोचना यह चाहिए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। 100 साल पहले या संसद किसने बनवाया? अंग्रेजों ने। वहाँ जो भी नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन जो भी है अंग्रेजों की बनवाई हुई है। तो अंग्रेजों की बनवाई हुई गुलामी से बाहर निकल जाना, भारत आत्मनिर्भर बने, भारत की अपनी पहचान बने, भारत की अपनी बनाई हुई संसद में हमारे प्रतिनिधि जाएं, कितना गर्व होगा। आप वहाँ जाते हैं तो ये एहसास होता होगा ना बिल्डिंग देख के कि यह अंग्रेजों की बनवाई हुई है। क्या भारत के पास वह तकनीक नहीं है? भारत के पास इंजीनियर नहीं है? भारत के पास वो मनोबल नहीं है, वह ऊर्जा नहीं है कि वह अपना संसद खुद बनाए? हमारा गर्व, हमारा सीना चौड़ा हो कि हम भारत की बनाई हुई संसद में हमारा लोकतंत्र चल रहा है, हमारा संविधान का सबसे बड़ा मंदिर भारत बनाए, कितनी अच्छी बात हो सकती है। लेकिन अब दूसरा सवाल आइए कि मस्जिद, दरअसल देखिए इनके समुदाय के लोग को, आप चले जाइए किसी गांव में चले जाइए, मैं शर्त के साथ, मैं अगर कोई गलत साबित कर देगा तो मैं उसको इनाम दूंगा, उसको दो चीज़ पूछिए कि भैया ये इतनी सड़क टूटी है, इसको बनवा दे रहा हूँ, नहीं तो एक मस्जिद बनवा दे रहा हूँ। 99.9% लोग कहेंगे हमको मस्जिद बनवा दीजिए, भले या सड़क टूटा है, हम रानी हेल के जाएंगे इधर उधर, लेकिन हमको मस्जिद चाहिए। अरे भैया मस्जिद जब वह चारों तरफ है, आप कहते हैं कि हर जगह है, खुदा कहाँ नहीं है? अगर खुदा इसी आधार पे आप रोड पर भी अपना बिछा के और सजदा कर लेते हैं, हर जगह है वो, तो वो जर्रे जर्रे में है। तो मस्जिद टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक गुलामी की प्रतीक अगर बीच में आ रही है तो हमारे देश का स्वाभिमान और सम्मान जो है ये, वो भी देखिए कांग्रेस ने भी किया था, 1100 करोड़ में मोदी जी अपना घर नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, सारे कांग्रेसी उसको जानते हैं, ये मोदी जी का घर है। उनको भी बुरा लग रहा है कि भारत के स्वाभिमान माने सेंट्रल विस्टा बन न बने, मोदी न बनवाए। हाँ, वो अंग्रेजों के बनवाई हुई बिल्डिंग में अगर अचानक मान लीजिए 100 साल हो गया और मीटिंग चल रहा हो और गिर जाए तो भारत का तो पूरा राजनीतिक, सारे बुद्धिजीवी, सारे नेता उसी में रहते हैं। तो इतनी पुरानी बिल्डिंग के जगह पे भारत अपनी पहचान कैसे बना लेगा? यह दर्द है इन लोगों का। और मैं पूछता हूँ एक बात बताइए, अमानतुल्ला खान जी, कम से कम लाखों मस्जिद तोड़ के पैखाना बना दिया चीन ने, लाखों मस्जिद को तोड़ के वहाँ पैखाना घर बना दिया चीन, एक बार भी बोले क्या? आपके केजरीवाल जी बोले क्या? कोई नेता बोला क्या भारत में? ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जो भी हैं, ममता बनर्जी, लालू का बेटा, कोई लाखों मस्जिद तोड़ के वहाँ पे शौचालय बना दिया,
नमाज पढ़ने नहीं देता है, कुरान पढ़ने नहीं देता है, दाढ़ी रखने नहीं देता है, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये लोग उसके उस उससे नहीं बात करेंगे, उस पर नहीं बात करेंगे। मैं पूछता हूँ, यह हजारों न्यूज आपको दिखा दूंगा निकाल के, अमानतुल्ला खान जी आप अपना अपने वेबसाइट पे जाइए और आप सिर्फ गूगल पे इतना डाल दीजिए कि कितनी मस्जिदें अरब में तोड़ी गईं। भाई यह मास मंदिर मस्जिद जरूरी नहीं है, अरब में टूटता है, रोड बनाई जाती हैं, कुछ भी बनाई जाती हैं तो वो लोग तोड़ के और मस्जिद को शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ सेंट्रल विस्टा नहीं बनना चाहिए, लेकिन वहाँ मस्जिद। ये दोगलापन, ये इसीलिए कि हम उत्तर प्रदेश के जो 24% वोट है वो हमको कैसे मिले, तो उसके लिए विकास मॉडल नहीं हो सकता है। पंडित जी एक जी एक चीज़ आपने ट्वीट में पढ़ी होगी ध्यान से, जब वो जो अमानतुल्लाह खान है वो खुद भी इस बात पे श्योर नहीं है कि मस्जिद टूट ही जाएंगी, वो कह रही हमें ऐसा अंदेश कह रहे हैं कि हमें ऐसा अंदेशा है कि मस्जिदें जो हैं वो टूट सकती हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि मस्जिदों को तोड़ा ही जाएगा। तो पहले ही इस तरीके की चीज़ों को भड़काने की कोशिश करना, ट्वीट करके करना, क्या मतलब लगता है कि कोई पहले कोई प्लानिंग है, इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? विस्टा प्रोजेक्ट है क्या? दूर है, जो संसद रोड जा रही है उसके इधर मस्जिद है, काफ़ी दूर है, और वो भी छोटा सा मस्जिद है, वो हमको लगता है 50x50 का मस्जिद होगा, उसकी कोई वजू उसका कोई वजूद नहीं है, एक कमरे का एक बड़े घर के छोटे घर के बराबर का है, 100-200 गज में होगा वो मस्जिद, यही उसकी औकात है, उसमें लोग जाते भी नहीं हैं, लेकिन उसके लिए इतना दर्द है, समझ लीजिए। इनको अगर सेंट्रल विस्टा बने ना बने, लेकिन वह 200 गज का मस्जिद रहना चाहिए, उसमें क्या, उससे क्या भारत की तरक्की की इबारत लिखी जाएगी, उससे क्या बन जाएगा यह भारत की, भारत का कौन सा पहचान बना देंगे अमानतुल्लाह, मान लीजिए कि मोदी जी उसको रोक देते हैं, उससे क्या बन जाएगा? और अगर वह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने में काम आता, अगर उसको कहीं दिक्कत आती है प्रोजेक्ट को रोकने में, या उसकी सुरक्षा में कहीं कोई दिक्कत आती है, तो क्या सारे देश के नेताओं की सुरक्षा को ताक पे रख दिया जाएगा एक मस्जिद के लिए? क्या अमानतुल्लाह यह नहीं कह सकते थे कि भाई मस्जिद जरूरी नहीं है, लेकिन यह अंग्रेजों की बिसात, अंग्रेजों की बनाई हुई बिसात से देश को बाहर निकालिए, मोदी जी हम गर्व है कि हमारे देश में नया संसद बन रहा है, नए सबके सारे मंत्रालय के लिए नई व्यवस्था बन रही है, उससे हमारे भारत का पहचान होगा, सम्मान बढ़ेगा, दुनिया के लोग आएंगे तो देखेंगे कि यह भारत की लिखी हुई इबारत है, दुनिया में हमारे देश का नाज होगा, तो वो ज़्यादा जरूरी है कि 200 गज का मस्जिद? आज जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे इस तरीके के सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है, जब केंद्र सरकार जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ला रही है, ऐसे ही प्रोजेक्ट जो है, जब इससे भी छोटे लेवल के प्रोजेक्ट चांदनी चौक में जब शुरू किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसमें एक मंदिर आया था बीच में, उस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, तो आम आदमी पार्टी जो कहते थे कि मंदिर क्या है, विकास कार्य में बीच में आ रहा है तो हटा देंगे, बाद में फिर वापस कहीं और शिफ्ट करा देंगे, वो करा देंगे, इस तरीके की चीज़ें इनकी दलील दी जा रही थी। आज वही सिचुएशन जब यहाँ आ रही है, तब कैसे दिक्कत क्यों हो रही है और बौखलाहट क्यों निकल के आ रही है? ये होगा इस तरह का, ये वो बना रखे हैं अपनी पार्टी में केजरीवाल जी, अमानतुल्लाह हैं, ठीक, मनीष सिसोदिया हैं, और एक दो और प्रवक्ता टाइप, इनको लगा देते हैं, आप खुद हनुमान भक्त बन जाते हैं, और इनको लगा देते हैं ये बहुसंख्यक समुदाय को गाली देने के लिए, उसमें सबसे आगे रहते हैं अमानतुल्लाह, अमानतुल्लाह अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी हैं, शपथ लिए हुए हैं, एक मैंने संवैधानिक पद पे रह के आदमी मस्जिद और मंदिर की बात करे, कितना घृणा की बात है इस देश के लिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आप मस्जिद जरूरी है कि संविधान जरूरी है? वह संविधान का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, बाबा साहब अंबेडकर का सपना है वह, बात तो जय भीम जय भीम की करते हैं, बात करेंगे संविधान का, बात करेंगे लोकतंत्र का, बात करेंगे सबके समानता का, लेकिन उसी लोकतंत्र उसी संविधान और उसी व्यवस्था का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जाएगा तो वहाँ बीच में मस्जिद को ला दिया जाएगा। ये है इनका असली चेहरा, इनका दोगलापन, इनकी विचारधारा, इनकी सोच, इसी वजह से यह देश बदनाम है। भाई 800 साल से गंगा जमुना चला के एक साथ रहते हुए लोकतंत्र में इतना बढ़िया सामंजस्य रहा, लेकिन करते ये हैं और बदनाम होता है भारत। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी, जिनका कहना है कि लगातार सेंट्रल विस्टा के ऊपर, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो और अब खुद अमानतुल्लाह खान, इतने इस तरह के बयानबाजी देकर के केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। लोगों को मोदी सरकार पर लगातार भरोसा है और उनके भरोसे से मोदी सरकार को लगातार सपोर्ट मिलता रहा है। 2022 का चुनाव आने वाला है, उसमें भी सपोर्ट दिखेगा। इसके अलावा 2024 के लिए भी जनता पूरी तरह से तैयार है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।